ओके ये है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट मतलब ये है, ये बी है, ये सी है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। यदि तीनों पे चार्ज क्यू है, ये क्यू है और ये भी क्यू है, साइड जो है ये ए है, ये ए है और ये ए है, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट बी, फाइंड एफ नेट एट पॉइंट बी। ओके मतलब पॉइंट बी पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए, नेट फोर्स अगर बी पे निकालना है तो इसके लिए जरा बताना, एक इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से, मतलब सी की वजह से बी पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और ये ए की वजह से बी पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर। ओके अगर इन दोनों का इधर लग रहा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा जरा देखिए, आपने इससे पढ़ा होगा ये इक्विलेटरल है तो 60 ये भी होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, मतलब ये F1 है, ये F2 है, और जहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2 होगा, इक्वल्स टू F मान सकते हैं। अच्छा जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो नेट फोर्स लग रहा होगा ये नेट फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, राइट, क्या जा रहा होगा ये एफ नेट जा रहा होगा, राइट। तो एफ नेट बराबर क्या होता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब जरा बताओ थीटा आपका 60 है, F1 बराबर F है, F2 प्लस F2 प्लस 2F2 cos 60। जरा बताना F नेट बराबर कितना आएगा, F2 प्लस 2F2 cos 60 की वैल्यू अपान 2, 1/2 होता है, तो कितना आएगा F नेट आ जाएगा अंडर रूट 3F। आप जरा बताना यहाँ पे F कितना आता है, F बराबर K Q2 / R2 मतलब A2, तो कितना आएगा F नेट जो आएगा, देखिए जो F नेट आएगा वो कितना होगा, F नेट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 KQ² / A² ओके इसे यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा।